नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। बहुजन समाज से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरों को लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। पहली खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा कमाल करते हुए किसान व्यक्तियों और किसान नेताओं का जीत लिया है दिल, और इसका सीधा सीधा फायदा यूपी चुनाव 2022 में बसपा सुप्रीमो मायावती जी को देखने को मिलेगा। वो कैसे, हम आपको समझाएंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में। दूसरी खबर बहुजन समाज के एक युवा से जुड़ी हुई है। बहुजन समाज के एक युवा पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा जानलेवा हमला हुआ है। वो कैसे और अब तक क्या कुछ हुआ, पूरा मामला समझाएंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आइए हम आपको पूरा मामला विस्तार समझाते हैं। पहली खबर हम आपको बता देते हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी शुरू से ही किसान द्वारा, किसान नेता व किसान व्यक्तियों द्वारा की गई मांगों का समर्थन करती आई हैं, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी केंद्र व राज्य सरकारें से भी मांगे करती आई हैं। जो मांगे किसान नेता व किसान व्यक्ति कर रहे थे केंद्र व राज्य सरकारों से, वही मांग बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी करती नजर आई हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने शुरू से ही किसान आंदोलन का समर्थन किया है, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने 3 कानूनों को वापस कराने की केंद्र व राज्य सरकारों से शुरू से ही मांग रखी है। जो मांगे किसान नेता व किसान व्यक्ति रख रहे थे, वही मांगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र व राज्य सरकार से अपील करते हुए रखी थी। कई बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसानों के पक्ष में, किसान आंदोलन के पक्ष में कई बार ट्वीट्स किए, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बोला कि किसान आंदोलन जो जारी है, किसानों नेताओं की व किसान व्यक्तियों की सरकार बातें मान ले, किसान व्यक्ति जो 3 कानून वापस कराना चाहते हैं उनको वापस कर ले। ये सब केंद्र सरकार से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपील भी की थी, और बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही किसान आंदोलन के साथ है। किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुजन समाज पार्टी भी है, और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, वो हर संभव मदद कोविड-19 जैसी इस दौर में भी कर रहे हैं। साथ ही इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा किसानों की आवाज़ 1 पे ट्रेंड करा दिया गया था। कल 14,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके थे, 1 पे ट्रेंड हुआ बसपा किसानों की आवाज़, लगातार स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये इसीलिए हुआ क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शुरू से किसान आंदोलन का समर्थन किया है, और जो तीनों कानून थे, जो बिल थे, किसान नेता व किसान व्यक्ति जिनको वापस कराना चाहते थे उनको वापस कराने की बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हमेशा से ही, शुरू से ही केंद्र व राज्य सरकारों से अपील की है। इसीलिए ये ट्रेंड कर रहा है बसपा किसानों की आवाज़ ट्विटर पर। तो आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को यूपी चुनाव 2022 में इसका साफ साफ और सीधा सीधा फायदा देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट अपनी राय दें, मिलेगा या नहीं। तो इस पर एक और ट्वीट हुआ है बहुत ही ज़्यादा शानदार सा। एडवोकेट अनुराग निषाद ने बोला है, देश का सबसे ईमानदार वर्ग किसान है, और इसीलिए आज ये बेहाल है। केंद्रीय सरकारों ने इनको एक वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया है, कभी लोन माफ़ तो कभी कुछ और। तो ये सब बोला है ट्वीट करते हुए। दूसरी खबर बहुजन समाज के एक युवा से जुड़ी हुई है। हम आपको बताते हैं, गुजरात लंबी मूछ रखने पर 11 व्यक्तियों ने एक दलित व्यक्ति पर किया हमला। यानी कि लंबी मूछ रखने पर दलित समाज के व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ है, जो कि सोशल मीडिया पर जब ये हमला हुआ तो जब लोगों के संज्ञान में ये बातें आई तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध जताया। हम आपको पहले पूरी खबर समझाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे क्या कर बहुजन समाज के व्यक्तियों ने विरोध जताया। साथ ही हम आपको बताने की कोशिश करें तो ये पूरा मामला है विरमगम। देश को आज़ाद हुए आज 70 साल से भी अधिक साल हो गए, लेकिन आज भी कई जगहों पर सही मायने में दलित वर्ग को आज़ादी नहीं मिली है। ये बात साथियों बिल्कुल सत्य है। अभी सार्वजनिक हैंडपंप को छू लेने पर दलित कई हत्या कर दी जाती है, तो कहीं लंबी मूछ रखने पर मारपीट की जाती है। ऐसे ही मामले सामने आया है गुजरात के अहमदाबाद से साथियों ये बड़ी खबर निकल कर आई है। वहाँ पर एक दलित समाज के व्यक्ति ने लंबी मूछ रख ली थी तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया। गुजरात में अहमदाबाद के वीरम गांव तुलका में दलित समाज का सुरेश बाघेला
ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसमें बताया है कि 11 व्यक्तियों ने लंबी मूछ रखने पर हमला कर दिया। शिकायत में बताया गया है कि रतकल गांव में रविवार को पीड़ित के घर के बाहर धमा ठाकुर की अगुवाई में लोगों का एक समूह वहां पहुंचा और दलित को लंबी मूछ रखने पर उसे जातिवादी गालियां दी। मामले में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथियों, ये पूरा मामला था, जब ये मामला संज्ञान में आया था, बहुजन समाज के एक्टिविस्ट, बहुजन समाज की आवाज़ उठाने वाले व्यक्तियों के मामले संज्ञान में जब ये मामला आया तो उन्होंने ट्विटर पर एक जंग छेड़ दी, जिसका हैशटैग का नाम दिया सुरेश मूछ जरूर रखेगा। ये हैशटैग नंबर 1 पे कुछ ही मिनटों में ट्रेंड हुआ। 48,000 से ज़्यादा लोग इस पर ट्वीट कर चुके थे। इस पर ट्वीट करते हुए क्या कुछ लोग बोल रहे थे, हम आपको बताते हैं। अहमदाबाद में मूछें रखने पर सुरेश नाम के दलित शख्स पर जानलेवा हमले के खिलाफ बहुजनों ने खोला मोर्चा। शानदार मूछों के खिलाफ बहुजन युवा शेयर कर रहे हैं तस्वीरें, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हुआ। इस घटना के बारे में सुनकर समाज के व्यक्ति सुरेश मूछ जरूर रखेगा ट्विटर पर ये हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड करा रहे हैं। कुछ ही देर में ये नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ और लोग बाग अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। साथियों आप अपनी कमेंट में राय दें। मैंने 2 खबरें आपको विस्तार से समझाई, आपको ये खबरें कैसी लगी कमेंट अपनी राय दें। आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी दलित समाज के व्यक्तियों के साथ जातिगत भेदभाव होता रहता है, जो कि काफ़ी दुख है, चिंताजनक है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए तो बहुजन समाज की प्रमुखता से खबर दिखाने वाले बी मिशन टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत।